माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने शॉर्टकट बनाया हुआ था, उसी पर क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें हम होम और इंसर्ट टैब के बारे में बात कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू के बारे में जानेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। डिज़ाइन में आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है पेज सेटअप का। इस पर क्लिक करके आप यहां अपनी प्रेजेंटेशन का पेज सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहां पर साइज चूज करेंगे। इसमें आपको काफ़ी सारे साइज मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो A4 साइज भी यहां पर चूज कर सकते हैं, लेटर भी चूज कर सकते हैं। और अगर आपको फुल स्क्रीन रखना है तो आप यहां पर 16:9 चूज करेंगे। साथ ही नीचे अगर आप चाहें तो विड्थ और हाइट भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी स्लाइड की ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप रख सकते हैं। ओके करेंगे और जो भी सेटिंग्स आपने की है वो अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर आपको स्लाइड ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलता है। यही ऑप्शन आपको पेड सेटअप में यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ डायरेक्ट स्लाइड ओरिएंटेशन पर क्लिक करके यहाँ से पोर्ट्रेट यानी लंबाई में और साथ ही लैंडस्केप यानी चौड़ाई में चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिल जाते हैं। इसमें से आप जो भी डिज़ाइन चूज करेंगे वही आपकी प्रेजेंटेशन पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम ये वाला डिज़ाइन लेकर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारी प्रेजेंटेशन में अप्लाई हो चुका है। अब हम यहाँ पर टाइटल डाल देते हैं, ईशान कंप्यूटर अकेडमी। नीचे यहाँ पर हम सब टाइटल डाल देते हैं, इसमें हम एड्रेस डाल देते हैं। इसके बाद आपको कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप कलर्स चेंज कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन का। यहाँ पर काफ़ी सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। हर एक कॉम्बिनेशन का एक अलग नेम है। जैसे कि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है, इसका नाम है ऑफिस। यहाँ पर देखिए और भी कॉम्बिनेशन है, ये है इक्विटी, ये फ्लो, ये मेट्रो। तो यहाँ से आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप मेट्रो चूज करके ओके करेंगे तो यहाँ पर यही कलर कॉम्बिनेशन अप्लाई हो चुका है। फ़ॉन्ट्स के भी यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं जो आप अपनी प्रेजेंटेशन पर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन आपको चाहिए बस आप उसको चूज़ करेंगे और उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, वो आपकी स्लाइड में अप्लाई हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। इफ़ेक्ट्स के कॉम्बिनेशन हैं तो आप जो भी इफ़ेक्ट यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे और वो आपकी स्लाइड में अप्लाई हो जाएगा। इफ़ेक्ट को आप स्लाइड को प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ बैकग्राउंड स्टाइल है, इसमें अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड का स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि आप अपनी स्लाइड का बैकग्राउंड क्या रखना चाहते हैं। साथ ही यहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करके आप अपना खुद का बैकग्राउंड बना सकते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपको मिलता है सॉलिड फिल। इसमें आप एक सॉलिड कलर भर सकते हैं, कलर यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। पिक्चर और टेक्स्चर भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे टेक्स्चर्स दिए गए हैं, जो भी टेक्स्चर आप अप्लाई करना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वो आपकी प्रेजेंटेशन में अप्लाई हो जाएगा। तो ये है डिज़ाइन। डिज़ाइन में आप पेज सेटअप कर सकते हैं और साथ ही जो इनबिल्ट थीम दिए गए हैं पावर पॉइंट में उन्हें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप कलर, फॉन्ट और इफेक्ट चेंज कर सकते हैं और साथ ही आप बैकग्राउंड का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है एनिमेशन। आपने देखा होगा जब भी किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्ले किया जाता है, उसको चालू किया जाता है, तो वहाँ पर कुछ एनिमेशंस देखने को मिलते हैं। तो उन एनिमेशंस को यहाँ से सेट किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर एनिमेट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपने किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट पर एक एनिमेशन डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ईशान कंप्यूटर अकेडमी एक टाइटल है, इसको मैं एक एनिमेशन देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ देखिए फेड में ये इस तरीके से शो होगा। वाइप अगर चूज करेंगे तो इस तरीके से आएगा। फ्लाई इन में ये इस तरीके से फ्लाई करता हुआ आएगा। और कस्टम पर क्लिक करके यहाँ से हम और भी इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एंट्रेंस में बॉक्स अगर हम चूज़ करें तो इस तरीके से आएगा। और यहीं पर हम एग्ज़िट एनिमेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका टेक्स्ट ऐसा लगेगा जैसे कि एग्ज़िट हो रहा है। यहाँ पर हम जैसे कि डायमंड चूज़ करते हैं तो देखिए ये एग्ज़िट हो रहा है। और इसी में आपको मोशन भी मिल जाते हैं, इसमें से आप कोई भी मोशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको कस्टम एनिमेशन मिल जाते हैं जो आप बना सकते हैं। एनिमेशन को स्टार्ट कैसे करना है, या तो क्लिक पर आप माउस से क्लिक करेंगे तब वो स्टार्ट होगा, या फिर आप प्रीवियस के साथ उसको लिंक कर सकते हैं, ये भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं।
अगर आपने कोई एनिमेशन अप्लाई किया है किसी कंटेंट पर तो वो आपको यहाँ पर शो होता है और यहीं से आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। एनिमेशन में आपको यहाँ पर इनबिल्ट एनिमेशन मिलते हैं और साथ ही कस्टम एनिमेशन का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। यही कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन आपको यहाँ अलग से भी मिलता है, इस पर क्लिक करके यहाँ आप कस्टम एनिमेशन डाल सकते हैं। ये जो एनिमेशन है ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए है जो कि आप अपने किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी और कंटेंट पर उसको सिलेक्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरी स्लाइड पर एक एनिमेशन डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जो भी आप चूज करेंगे वही एनिमेशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और साथ ही आपको प्रीव्यू भी यहाँ पर शो होता है। जैसे कि हम ये वाला डालते हैं तो देखिए इसमें इस तरीके से शो होगा, इसको चूज करेंगे तो ये इस तरीके से शो होगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको एनिमेशंस मिल जाते हैं, जो भी आप चूज करेंगे वही आपकी स्लाइड पर यहाँ अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आपको ट्रांजिशन साउंड का ऑप्शन मिल जाता है कि जब भी आपकी स्लाइड यहाँ पर रन करेगी तो आपको कौन सा साउंड यहाँ चूज करना है, आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांजिशन स्पीड मिल जाती है कि आप अपनी स्लाइड की स्पीड कितनी रखना चाहते हैं, आपने अपनी स्लाइड पर जो एनिमेशन अप्लाई किया है वो एनिमेशन आपको कितनी स्पीड में शो करना है। तो यहाँ पर देखिए स्लो, मीडियम और फास्ट। अगर आप फास्ट चूज करेंगे तो ये बहुत ही फास्ट यहाँ पर रन होगा, अगर आप इसको मीडियम चूज करेंगे तो मीडियम स्पीड रहेगी और स्लो में यहाँ पर सबसे कम स्पीड रहेगी। इसके बाद बस आप अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर दीजिए, आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं सब पर ये अप्लाई हो जाएगा जो एनिमेशन आपने यहाँ पर चूज किया था। यहाँ आपको एडवांस स्लाइड का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑन माउस क्लिक और ऑटोमेटिकली। आप अपनी स्लाइड को कैसे रन करना चाहते हैं, आप अगर माउस क्लिक चूज करेंगे तो आप माउस का क्लिक करेंगे तभी वो रन होगी, और अगर आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर चूज कर देते हैं तो आप यहाँ पर टाइम डाल सकते हैं कि कितने टाइम के बाद आपकी स्लाइड यहाँ पर रन होगी, तो ये चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है एनिमेशन टैब जिसमें आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आपने जो भी प्रेजेंटेशन तैयार की है उसको आप रन करके देख सकते हैं। साथ ही एनिमेट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कंटेंट को आप सिलेक्ट करके उसको एक एनिमेशन दे सकते हैं, और यहाँ पर आपको स्लाइड ट्रांजिशंस मिल जाते हैं, आप यहाँ से स्लाइड को कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं, जो भी आप चूज करेंगे वही आपकी स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप स्लाइड के लिए एक साउंड चूज कर सकते हैं कि जब भी आपकी स्लाइड रन हो तो कौन सा साउंड आप सुनना चाहते हैं, और यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि आप स्लाइड को क्लिक पर रन करना चाहते हैं या ऑटोमेटिक रन करना चाहते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है स्लाइड शो का। पावर पॉइंट में आप जो भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं अगर आप उसको रन करके देखना चाहते हैं कि वो कैसी बनी है तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग। अगर आपकी स्लाइड में काफ़ी सारे पेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कुछ और पेजेस डाल लेते हैं, यहाँ न्यू स्लाइड पर क्लिक करके हम और स्लाइड्स यहाँ पर डाल लेते हैं और सब में यहाँ पर हम कुछ टाइप भी कर देते हैं, जैसे कि इसमें हम लिख देते हैं ईशान। थर्ड स्लाइड में यहाँ पर हम कुछ कंटेंट डाल लेते हैं, एक इमेज डाल लेते हैं, और फोर्थ स्लाइड में यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं। तो अब इसको रन करने के लिए कि हमारी स्लाइड कैसी बनी है ये देखने के लिए हम आएंगे स्लाइड शो में। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फ्रॉम बिगिनिंग, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल शुरू से चल रही है। सेकंड, और यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर थर्ड आ गई है, ये फोर्थ आ गई जिसमें हमने एक इमेज डाली थी, और ये फिफ्थ है जहाँ पर हमने लिखा था एंड। एस्केप बटन प्रेस करेंगे बाहर आ जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है करंट स्लाइड का। इसमें क्या होगा कि जिस स्लाइड को भी आप यहाँ पर चूज करेंगे आप इस पर क्लिक करके सिर्फ उसी को यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस हैं, एक है फ्रॉम बिगिनिंग, इसमें क्या होगा कि आपकी पूरी प्रेजेंटेशन आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, और करंट स्लाइड पर क्लिक करके आप किसी पर्टिकुलर स्लाइड को यहाँ पर रन कर सकते हैं। कस्टम स्लाइड शो का आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप कस्टम बना सकते हैं। कस्टम में क्या होगा कि जितनी भी स्लाइड्स आपने एक प्रेजेंटेशन में बनाई हुई हैं आप यहाँ न्यू पर क्लिक करके उनको ऐड कर सकते हैं कि आप किसके बाद कौन सी प्ले करना चाहते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट नंबर पे थर्ड को प्ले करना चाहते हैं, इसके बाद हम चाहते हैं कि फर्स्ट आए, इसको हम इस तरीके से ऐड करेंगे, उसके बाद हम चाहते हैं कि फोर आए तो हम इस तरीके से ऐड करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका कस्टम स्लाइड शो बन चुका है। अब आप यहाँ क्लोज कर दीजिए, आप यहाँ कस्टम पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो आपने यहाँ पर स्लाइड बनाई है कस्टम ये आ चुकी है। इस पर क्लिक करके अब आप कस्टम स्लाइड्स देखेंगे।
जिन स्लाइड्स को आपने इस कस्टम स्लाइड में ऐड किया था सिर्फ वही यहाँ पर प्ले होगी। तो स्लाइड शो में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करके आप किसी भी प्रेजेंटेशन को बिल्कुल स्टार्ट से रन कर सकते हैं। करंट स्लाइड पर क्लिक करके जो भी स्लाइड आपने यहाँ इस तरीके से सिलेक्ट की हुई है सिर्फ वही रन होगी। और कस्टम में आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी स्लाइड के बाद कौन सी स्लाइड प्ले होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेटअप स्लाइड शो का, इस पर क्लिक करके आप अपने स्लाइड शो का सेटअप कर सकते हैं। शो स्लाइड्स में पहले आप चूज़ करेंगे आप कितनी स्लाइड्स को शो करना चाहते हैं। अगर ऑल करेंगे तो फिर सारी स्लाइड्स यहाँ पर शो होंगी, और अगर आप पर्टिकुलर करना चाहते हैं फॉर्म चूज़ करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे आप कौन कौन सी करना चाहते हैं, जैसे कि हम 3 से 5 तक करना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 डाल देंगे। और अगर आप कस्टम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कस्टम चूज़ कर लेंगे। कस्टम बनाई कहाँ से जाती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ कस्टम स्लाइड शो पर क्लिक करके आप कस्टम बना सकते हैं और यहाँ से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ शो ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलता है लूप कंटिन्यूसली का। आपने अभी देखा कि जब हम स्लाइड को शो करते हैं तो माउस से क्लिक करना होता है नेक्स्ट स्लाइड को देखने के लिए, लेकिन अगर आप लूप कंटिन्यूसली यहाँ पर चूज़ करेंगे तो इसके बाद आपकी स्लाइड्स एक के बाद एक ऑटोमेटिकली प्ले होंगी और जब तक आप एस्केप बटन प्रेस नहीं करेंगे वो रुकेंगी नहीं। साथ ही यहाँ पर आप बिना नरेशन के भी शो कर सकते हैं, बिना एनिमेशन के भी शो कर सकते हैं। एक पेन भी आपको मिलता है स्लाइड शो में, आप पेन का कलर क्या रखना चाहते हैं यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आप ओके कर देंगे, आपकी सेटिंग्स यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। हाइड स्लाइड से आप किसी भी स्लाइड को हाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 4 स्लाइड्स बनाई हुई हैं और हम इस इमेज वाली स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, हाइड पर क्लिक करेंगे और देखिए हाइड हो चुकी है। यहाँ पर अभी ये शो हो रही है, लेकिन अगर हम प्ले करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने प्ले किया, तो अब यहाँ पर प्ले में वो स्लाइड नहीं आएगी जिसको हम हाइड कर चुके हैं, सिर्फ वही आएंगी जिनको हमने हाइड नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए स्लाइड शो एंड हो चुका है, लेकिन ये वाली स्लाइड वहाँ पर शो नहीं हुई थी क्योंकि इसको हमने यहाँ से हाइड किया हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्लाइड को जिसे शो नहीं करना चाहते हैं यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको नरेशन रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपनी किसी भी स्लाइड पर कोई नरेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब वीडियोस बनाए जाते हैं तो उसमें ऊपर से बोला भी जाता है उस स्लाइड के बारे में, तो वो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड नरेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप माइक्रोफोन का लेवल चूज कर लेंगे, आपको कितनी तेज़ वॉइस रखनी है। ओके करेंगे, क्वालिटी आप यहाँ से चेंज कर लेंगे किस तरह की क्वालिटी आपको रखनी है, इसमें आपको मिल जाती है। इसके बाद ओके करेंगे, आपकी सेटिंग्स हो जाएगी और यहाँ पर करंट स्लाइड या फर्स्ट स्लाइड से आप नरेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक करते हैं, फर्स्ट स्लाइड यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और इस पर नरेशन भी रिकॉर्ड हो रहा है जो भी हम बोल रहे हैं। इसके बाद हम माउस क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, अब जो भी हम बोल रहे हैं वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस तरीके से आप स्लाइड्स के ज़रिए एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं जिसमें आप बोल भी सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक स्लाइड्स आई है और यहाँ पर हम इसके बारे में बता सकते हैं, यहाँ पर एक इमेज आई है इसके बारे में हम यहाँ बोलकर बता सकते हैं। तो ये अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, एस्केप यहाँ पर प्रेस करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए सेव हो चुकी है। यहाँ आपके सामने टाइमिंग भी आ जाती है कि फर्स्ट स्लाइड पर 21 सेकेंड्स हमने रिकॉर्ड किया है, सेकेंड स्लाइड पर हमने 4 सेकेंड रिकॉर्ड किया है, थर्ड स्लाइड पर हमने 4 सेकेंड रिकॉर्ड किया है और फोर्थ पर भी हमने 2 सेकेंड रिकॉर्ड किया है। यहीं से आप प्ले करके इनको सुन भी सकते हैं कि आपने नरेशन को कैसे यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर जो व्यू है इसको आप चेंज कर सकते हैं, नीचे से यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप पहले व्यू पे पहुँच जाएंगे। असल में यहाँ पर आप स्लाइड को शॉर्टर करके देख सकते हैं, यानी काफ़ी सारी स्लाइड्स को एक साथ ही आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर स्लाइड शॉर्टर से। इसके बाद हम आते हैं रिव्यू में। रिव्यू में आप सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन को चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है स्पेलिंग का, यहाँ से आप स्पेलिंग देख सकते हैं। सबसे पहले आया है ईशान, कंप्यूटर कह रहा है कि ईशान की स्पेलिंग रॉन्ग है, तो यहाँ से आप कोई भी एक स्पेलिंग चूज कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है सही है तो आप यहाँ इग्नोर कर दीजिए। इसके बाद सामने आपके दूसरा वर्ड आ जाएगा जिसकी कंप्यूटर को लगता है कि स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको भी आप अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं और चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरा वर्ड आ गया, इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन में जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में कंप्यूटर को लगता है कि इनकी स्पेलिंग मिस्टेक है, गलत है, तो वो आपके सामने यहाँ पर आते रहेंगे, यहीं से आप उनको चेंज करते रहेंगे या फिर इग्नोर करते रहेंगे।
न्यू कमेंट का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, इसके ज़रिए आप किसी भी स्लाइड में एक कमेंट डाल सकते हैं। ये कमेंट जब आप स्लाइड को शो करते हैं तब शो नहीं होता है, ये सिर्फ आपके लिए होता है, यानी कमेंट करके आप यहाँ पर एक नोट बना सकते हैं। कमेंट जब आप करते हैं तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और आप अगले पिछले कमेंट पर भी जा सकते हैं। इसके बाद आपको व्यू का ऑप्शन मिल जाता है। व्यू में आपको एक ऑप्शन मिलता है नॉर्मल व्यू, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, और दूसरा है यहाँ पर स्लाइड शॉर्टर। इस पर क्लिक करके आप सभी स्लाइड्स को यहाँ पर शॉर्ट में एक साथ देख सकते हैं। नोट पेजेस पर क्लिक करके आप यहाँ स्लाइड के साथ साथ ही उसका नोट भी देख सकते हैं। मास्टर स्लाइड पर क्लिक करके यहाँ आप मास्टर स्लाइड को देख सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर आपको रूलर और ग्रिड लाइन का ऑप्शन मिल जाता है। रूलर को अगर आप अनचेक करेंगे तो रूलर गायब हो जाएगा। अगर आप स्लाइड में यहाँ पर ग्रिड लाइन चाहते हैं इसको चेक करेंगे, आपको यहाँ पर देखिए ग्रिड लाइन शो हो रही है। इसके बाद कलर्स हैं, यहाँ से आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। इसमें आप अगर रंगीन रखना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को तो कलर चूज करेंगे, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ प्योर ब्लैक एंड व्हाइट चूज करेंगे, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ग्रे स्केल है और साथ ही यहाँ पर इनवर्स ग्रे स्केल है, और यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट फिल है, वाइट है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। डिज़ाइन कैसे डाले जाते हैं स्लाइड्स में, एनिमेशन कैसे डाला जाता है, स्लाइड शो कैसे किया जाता है, रिव्यू में स्पेलिंग कैसे चेक की जाती है, और साथ ही व्यू में यहाँ पर अलग अलग व्यूज में अपनी स्लाइड्स को कैसे देखा जाता है, आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि MS PowerPoint में एक प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं, जिसमें मैं आपको बिल्कुल शुरू से एक प्रेजेंटेशन बनाकर दिखाऊंगा कि हम अपने काम के लिए, कंपनी के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए कोई भी प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं।